तो हेलो फ्रेंड, मेरा फ़ोन हो चुका है अपडेट। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या नए नए फ्यूचर ऐड हुए हैं। वैसे सबसे जो मेन फ्यूचर है वो है डार्क मोड का। तो मैं डार्क मोड आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे वो डार्क मोड काम करेगा। तो आपको गो टू जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके रियलमी लैब लिखा हुआ है, नीचे रियलमी लैब पर जाना और ये डार्क मोड का ऑप्शन है, आप इसको इनेबल कर देना। वो तो देखना, आप पूरा ये डार्क मोड हो चुका है। अब मैं इसे जैसे डिसेबल करूँगा तो वाइट में चला जाएगा और अब ये डार्क मोड में आ चुका है। तो इसके मैं कुछ फ्यूचर आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि नोटिफिकेशन बार आपको पूरा डार्क डार्क दिखेगा, और भी एप्लीकेशन हैं जो कि डार्क मोड में चली गई है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि कैसे कैसे डार्क मोड इनेबल हुआ है। तो मैं सबसे पहले फ़िलहाल आपको व्हाट्सएप ही दिखाता हूँ। तो देखो, व्हाट्सएप में भी आपको डार्क मोड दिख जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो एप्लीकेशन है, आपको मैं जो जो एप्लीकेशन में डार्क मोड इनेबल होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि सेटिंग में जाके ये देखो, सेटिंग में पूरी ब्लैक हो चुकी है, डार्क मोड में पहुँच गई है। तो ऐसे ही जो सी आपको एप्लीकेशन में आपको इनेबल कर सकते हैं तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि हम इसमें जाएंगे और यहाँ डार्क मोड पर क्लिक करें और ये लिखा हुआ है डार्क मोड फॉर थर्ड पार्टी एप्स। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा किस ऐप के अंदर हम डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो। तो थोड़ी लोडिंग हो रहा है और अभी फिलहाल मैं दिखाता हूँ। देखो, ये आपको दिख रहा है सारे डार्क मोड के अंदर है, जितनी भी एप्लीकेशन है सारे डार्क मोड के अंदर है, ये डार्क मोड में काम करेंगी जितनी भी एप्लीकेशन है, यहाँ तक कि आपकी पबजी भी डार्क मोड में पहुँच गई है। और ये सारे जितनी भी एप्लीकेशन है आपको डार्क मोड में पहुंच गई। अब जैसे हमें डार्क मोड डिसेबल करना किसी एप्लीकेशन में, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फ़िलहाल मैं अमेज़ोन में दिखाता हूँ आपको। पहले ये अमेज़ोन ओपन करा हमने, ये अमेज़ोन पूरा डार्क मोड में है। ये डार्क मोड में अब इसको हम जैसे कि डिसेबल करेंगे अभी, ये हमको हम अमेज़ोन को यहाँ से डिसेबल करते हैं तो ये अपने जैसा था पहले ही हो जाएगा। तो ये ओपन करके दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये वैसे ही हो गया जैसे पहले था। तो ये थोड़ा बहुत ही चेंज आया है बस, और क्या। और आपकी नोटिफिकेशन बार में पूरा डार्क मोड पहुँच गया है, डार्क मोड। अब जो दूसरा अपडेट आया है, मान के चलो जैसे हमारा थीम ऐप है उसमें आपको एक नया अपडेट मिलेगा, वो है फॉन्ट का, फॉन्ट चेंज का। तो मैं आपको थीम का कॉल कर दिखा देता हूँ। ये हमारा थीम स्टोर है, हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो इसमें एक फॉन्ट चेंज का ऑप्शन आया है, फॉन्ट चेंजिंग का। तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि फॉन्ट चेंजिंग का कैसा आया है। और ये कुछ सामने ऑटोमेटिक वियर सेलर डाटा, ये डाटा को सेव करने वाला है, इसलिए इसे इनेबल कर दो, ठीक है। ये आपको दिख रहा है फॉन्ट का नया मोड, ये इसमें नए नए फॉन्ट आपको दिख जाएंगे। लेकिन एक बहुत बुरी बात है, ये आप सिर्फ पेड वर्जन है इसको ख़रीद सकते हैं। जैसे कि ये 68 रुपये में आपको ख़रीदना पड़ेगा ये वाले फ़ोन। तो मैं आपको इसी में एक फ्री ट्रायल भी है, तो मैं ट्रायल पर क्लिक करके देखता हूँ कि कैसे चेंज आता है। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको सेटिंग में जाकर दिखाता हूँ। ये देखो, फॉन्ट का डिज़ाइन कितना लुक चेंज हो चुका है, आप खुद ही देख सकते हो। ये बस कुछ मिनट के लिए रहेगा या कुछ घंटे के लिए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो है इसकी कीमत वो एक खाली 68 है। आप चाहे तो यहाँ से इसे बाय भी कर सकते हो। ये अपडेट था। और जो दूसरा अपडेट है वो है आपकी नोटिफिकेशन बार। अब नोटिफिकेशन बार में आपको कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप ऊपर को स्वाइप अप करते हो, लेकिन अब वो भी फिक्स हो चुका है। आप राइट या लेफ्ट भी करके उसको चेंज हटा सकते हो नोटिफिकेशन को। तो यही अपडेट था, इसके बारे में आपको बताना चाहता था। डार्क मोड वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, डार्क मोड हो गया। तो इस डार्क मोड की वजह से आपकी बैटरी भी बहुत अच्छी चलेगी। पहले से रियलमी की बैटरी अच्छी चलती है, लेकिन फिर भी आपकी बहुत अच्छी चलेगी अब डार्क मोड की वजह से, क्योंकि डार्क मोड हमारे लिए इसी
इसे चीज़ को मैटर करता है कि आपकी बैटरी के कैसे चलती है। तो यही है थोड़ा अपडेट था, बस फिलहाल इतना ही है वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और भी अगर जो कोई अपडेट आता है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बस फिलहाल तो ये अपडेट था, जो भी है डार्क मोड बहुत अच्छा है।